दोस्तों क्रेडिट कार्ड से जो है 50 दिनों का क्रेडिट कैसे लिया जा सकता है। दोस्तों क्या करना है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपकी जो बिल जनरेट होती है वो कौन सी डेट को होती है। एक एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ कि यदि आपकी बिल जनरेट जो है हर महीने की 17th को होती है, तो आप क्या करेंगे कि 17th के बाद जो है आप परचेज करना स्टार्ट करेंगे, तो नेक्स्ट 17th तक आपको जो है 30 days ये मिलते हैं दोस्तों। उसके बाद जो है 17 से जो है जैसे आपका बिल जनरेट होता है, उसके बाद जो है आपको जो है 20 days का जो है एक्स्ट्रा टाइम मिलता है पे करने के लिए। तो दोस्तों 17 के बाद यानी कि आप 18 को बिल कोई पेमेंट करते हैं, कोई आप शॉपिंग करते हैं, तो वो अगले 17 तक उसमें 30 days हो जाते हैं, और प्लस वहाँ से जो है आपको 20 दिन का और टाइम मिलता है, तो टोटल जो है 50 days हो जाते हैं दोस्तों। जैसे 17 यहाँ पे आप देख सकते हैं, 17 के बाद जो है आपको आप परचेज करते हैं, 17 को आपका बिल जनरेट होता है, 18 को आप परचेज करते हैं, तो नेक्स्ट ये वाला बिल जो है आपको नेक्स्ट मंथ जो है 17 को जनरेट होगा, तो ये आपके 30 days हो गए, और वहाँ से फिर जो है आपको 20 days और मिलेंगे, यानी कि अगले महीने 7 तारीख को आपको इसका भुगतान करना पड़ेगा। तो दोस्तों इस तरह आप क्रेडिट कार्ड से जो है 50 days का जो है क्रेडिट ले सकते हैं।